हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। आज हम 21 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेली वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि COVID-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कौन कोरोना मुक्त हो गया है, तो किसे कोरोना मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, तो ये कर दिया गया है लद्दाख को। दोस्तों, बात करते हैं 3 मई 2020 से एक भी कोरोना का केस नहीं आने के कारण लद्दाख को कोरोना मुक्त कर दिया गया। तो बात करें कि लद्दाख क्या है दोस्तों, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COVID-19 मरीजों के लिए रोबोट किसने विकसित किया है, तो ये किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। तो आपको इसी तरह ऑप्शन देगा दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। तो अब देखते हैं दोस्तों कि याद कैसे होगा। तो याद देखिए, दक्षिण को कर लीजिए दक्षिण यानी दक्षिणा देना। तो अब मान लीजिए दक्षिणा देना, तो दक्षिणा मांग रहा है दोस्तों, क्या मांग रहा है, बोट मीन्स नाव। रेल बोट को आर बोट भी कह सकता है दोस्तों, आर बोट। रोबोट को किसने विकसित किया है, दक्षिण मध्य रेलवे को, तो दक्षिणा मांग रहा है, क्या मांग रहा है दक्षिणा में, बोट मतलब नाव मांग रहा है, ठीक ना। ये याद करने की तरीका है दोस्तों, तो दक्षिण बोट यानी बोट मतलब नाव मांग रहा है दक्षिणा में। अब बात करें पूर्व मध्य रेलवे के दोस्तों, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में है, और पश्चिम मध्य रेलवे का मुंबई में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद, और मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिपन अवार्ड किसने जीता है, ये किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है एडमिरल विनय बधवार। तो बात करें दोस्तों कि एडमिरल विनय बधवार कौन है, तो ये भारतीय नौसेना के मुख्य जल सर्वेक्षक है, मुख्य जल सर्वेक्षक। तो इनको दिया गया है साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिपन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बात करें दोस्तों कि नौसेना के प्रमुख कौन है, तो नौसेना के प्रमुख है करमबीर सिंह, एडमिरल पद है दोस्तों, तो एडमिरल करमबीर सिंह है। अब बात करें कि याद कैसे रहेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कि एडमिरल करमबीर सिंह, तो नौसेना, नौ मतलब नाइन और सेना मतलब, तो जिसके पास नौसेना किसके पास होगा दोस्तों, जो वीर रहेगा, वीर, ठीक। तो नौसेना अब उसके पास है तो वीर है, अब उसके पास नौसेना क्यों है दोस्तों, क्योंकि उसका कर्म अच्छा है। तो इस तरह थोड़ा दिमाग में बैठा सकते हैं। बात करें एयर मार्शल राकेश कुमार, तो ये कौन है, तो वायुसेना के प्रमुख हैं दोस्तों। जनरल मनोज मुकुंद, ये भारतीय सेना के प्रमुख है, या थल सेना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल टेस्ट अभियान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है दोस्तों, तो इस ऐप को लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है दोस्तों, नेशनल टेस्ट अभ्यास। बात करें तो इस ऐप के द्वारा क्या होगा दोस्तों, तो इस ऐप के द्वारा JEE मेंस नेट आदि परीक्षाओं में मॉक टेस्ट करने में मदद मिलेगी। और इस ऐप को किसने विकसित किया है, तो इस ऐप को विकसित किया है दोस्तों राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने इसको विकसित किया है दोस्तों। अब बात करें कि याद कैसे होगा दोस्तों, देख दीजिए, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, टेस्ट मतलब टेस्ट, अभ्यास मिस अभ्यास मतलब टेस्ट लिया जाना है, अभ्यास किया जाना है किसका, राष्ट्रीय का। तो टेस्ट और अभ्यास कौन देता है दोस्तों, ऑप्शन इसी तरह देगा, मान लो स्वास्थ्य अभ्यास देगा नहीं ना, कृषि टेस्ट देगा नहीं, परिवहन टेस्ट देगा नहीं, मानव टेस्ट देता है चाहे अभ्यास देता है, ठीक ना, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये थोड़ा दिमाग में ज़्यादा समय तक बैठा सकते हैं दोस्तों, और कभी भी अगर ऑप्शन मिलेगा आपको तो आप बता सकते हैं। बात करें कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो हर्षवर्धन सिंह, कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल। इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है दोस्तों कि वर्तमान में कौन क्या है, जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम सॉन्ग को किसने गाया, तो ये किसने गाया है दोस्तों, सोनू निगम, आशा भोसले, लता मंगेशकर, उदित नारायण, एक और ऑप्शन है दोस्तों सभी, ये सभी ने गाया है दोस्तों, सभी क्या और लोग, 200 लोगों ने इस गीत को गाया है दोस्तों।
गीत का नाम है जयतु भारतम। तो इसमें से मेन याद रखिएगा लता मंगेशकर को जयतु भारतम भारतम, यानी यो मारा है तो मौसम मंगेशकर याद कर सकते हैं लता मंगेशकर, इसका इनका इसमें इनका मेन रोल है। तो लता मंगेशकर इसको गाया दोस्तों, वैसे भी सभी इसका आंसर क्या है सभी है। और बात करें कि 200 में मेन मेन किसने भाग लिया इसमें, कौन कौन गायिका ने गाया, तो अनुराधा पौडवाल ने भी गाया है दोस्तों, अलका याग्निक ने भी इसमें भाग लिया है। बात करें कि इस सॉन्ग के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये मेन है। तो इसके लेखक है प्रसून जोशी, प्रसून जोशी जोशी। अब देखिए दोस्तों, जैसे जोशी है जैसे जयतु, जैसे जोशी जैसे जयतु, इस थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में थॉमस थापेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो किस देश के थे, तो वो थे दोस्तों लेसोथो को, लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। तो बात करके लेसोथो के राजधानी कहाँ है, तो उसकी राजधानी है मासेरू, मासेरू इसकी राजधानी है लेसोथो की। और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है लेसोथो लोटी, लेसोथो लोटी। अब बात करें दोस्तों रूस की राजधानी मास्को, इटली की लीरा, इराक की बगदाद राजधानी है कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजुलेशन ऑन कोविड 19 रिस्पॉन्स प्रस्ताव को किसने लॉन्च किया है, तो इसको किसने किया है, इसको किया है डब्ल्यू एच ओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक है ट्रेड्रोस एडहानाम। इसके महानिदेशक है। तो बात करें दोस्तों, तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ था, तो वो कौन सा नंबर का था, तो वो 73 नंबर का है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय स्वास्थ्य सभा का आयोजन कौन सा किया गया था, तो 73 नंबर का किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए उरनवा को कितनी राशि दी है, तो किसी ने दिए थे $2 मिलियन दिए भारत ने सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स बुक को किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड्स ने इसको लिखा है। और याद रखिएगा दोस्तों कि कृष्ण स्वामी ने भी एक पुस्तक लिखा है, किस पर, पीवी सिंधु के ऊपर, उस पुस्तक का नाम है स्विट्जरलैंड टू द टॉप। और फांग ने भी एक पुस्तक लिखा है हाल ही में, ये किस पर लिखा है, तो ये लिखा है वुहान डायरी, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, जिस शहर से, तो वुहान डायरी पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है फांग ने। और कृष्ण स्वामी ने एक पुस्तक लिखा है पीवी सिंधु पर स्विट्जरलैंड टू द टॉप, इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 20 मई को। याद कैसे रहेगा दोस्तों, देखिए मधुमक्खी को इंग्लिश में कहते हैं बटरफ्लाई। फ्लाई को छोड़ दीजिए, कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है दोस्तों, टी टी बार बार आ रहा है। टी का कोड क्या होता है, 20, इसका भी कोड 20, तो 20 40 तारीख तो होता नहीं है, तो कॉल 20 याद रखिएगा कि 20 अगर ऑप्शन मिलेगा तो थोड़ा सा तो हेल्प मिल ही जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा सुपर साइक्लोन उत्तर पूर्वी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस साइक्लोन का क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है सुपर साइक्लोन अम्पन। उस साइक्लोन का नाम है सुपर साइक्लोन अम्पन। बात करें तो ये किसको प्रभावित करेगा दोस्तों, तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आदि क्षेत्रों को ये प्रभावित करेगा। इसकी चाल कितनी है दोस्तों, तो इसकी चाल याद रखिएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा, या उत्तरी पूर्व की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे पहले दोस्तों उड़ीसा में ही 1999 करीब 2 दशक पहले 1999 में सुपर साइक्लोन हम्पटी हीट नामक एक तूफान आया था, और उसके बाद 2 दशक बाद ही आया है सुपर साइक्लोन अम्पन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कितनी सहायता देने के लिए कहा है,
तो WHO स्वास्थ्य बात करें चीन की है दोस्तों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है कि चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी निपटने के लिए कितनी सहायता देने के लिए कहा है। चीन ने यहाँ पर लगा लीजिएगा चीन ने, ये कितना कहा है, तो ये 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने के लिए चीन ने WHO को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना था तो बात करके पिछला क्वेश्चन क्या था, तो पिछला क्वेश्चन था कि आयुष संजीवनी ऐप को किसने शुरुआत की है, तो आयुष संजीवनी ऐप की शुरुआत किसने की है, तो ये की है स्वास्थ्य मंत्री ने। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन सिंह। इसकी ट्रिक मैंने बना रखी है दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है आप जाकर देख सकते हैं, एक बार देखने के बाद आप नहीं भूलेंगे। तब बात करें आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों, तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि विश्व आईफा अवार्ड 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कोलकाता, लाहौस, मुंबई, दिल्ली। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।